हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू मॉम स्क्वाड। आज हम उस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो ज़्यादातर मॉमीज़ लगभग रोज़ यूज़ करती हैं और वो है डायपर्स। आज हम बात करेंगे दो तरह के डायपर्स के। मार्केट में आपको मेजरली टू टाइप्स ऑफ डायपर्स मिलते हैं, एक होता है पैन स्टाइल और एक होता है टेप्ड स्टाइल। तो कौन सा डायपर हमें लेना चाहिए, कौन सा डायपर हमें किस टाइम पे हमारे ज़्यादा काम आएगा, और मैंने दोनों तरह के डायपर्स यूज़ करे हुए हैं तो मेरे हिसाब से इनके क्या एडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं पैंट स्टाइल डायपर्स की। ये मेरे पास हगीज़ का वंडर पैंट डायपर है। पैंट स्टाइल डायपर्स में ऊपर एक इलास्टिक होता है ऐसे, और इसको हम बेबीज़ को नॉर्मल पैंट्स की तरह पहनाते हैं, जैसे पजामा पहनाते हैं पैंट पहनाते हैं, उस तरह से हम इन डायपर्स को पहनाते हैं। तो सबसे पहले इनके एडवांटेज की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये बेबी को जब हम पहनाते हैं तो ये एकदम हग्ड रहता है, इंटैक्ट रहता है। तो अगर बच्चा ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है, इधर उधर हिल रहा है, तो इसमें लीकेज की प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती है बिकॉज एकदम ये पैंट की तरह इंटैक्ट रहता है, ज़्यादा हिलता नहीं है। इस डायपर का डिसएडवांटेज जो मुझे लगा वो ये था कि स्पेशली रात के टाइम पे जब मैं डायपर अपने बेबी का चेंज कर रही थी तो उसमें मेरे बेबी की नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही थी बिकॉज पहले मुझे पजामा उतारना है, फिर उसको इसको उसी तरह पहनाना है पूरा, उसके लेग्स पकड़ के जैसे आप पजामा पहनाते हो पैंट पहनाते हो, फिर उसके ऊपर फिर से एक पजामा उसको पहनाना होता था मुझे रात को। तो दो दो बार मुझे उसके लिए उसके साथ थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता था पहनाने में, जिससे उसकी नींद जो है वो खुल जाती थी। तो मुझे इस डायपर का ये एक डिसएडवांटेज लगा। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसकी जो वेस्ट है वो आप टाइट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके बेबी की वेस्ट इससे पतली है तो ये डायपर टाइट नहीं हो पाएगा, तो उससे क्या होगा, इल फिटेड रहेगा ये, और लीकेज की प्रॉब्लम उस केस में हो सकती है। अगर डायपर नीचे फिसल के आ जाएगा तो उसमें आपको लीकेज की प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम बात करते हैं टेप स्टाइल डायपर्स की। तो टेप स्टाइल डायपर्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं, इनके साइड्स पे जो है ये एक वेलक्रो टाइप का टेप लगा होता है और टेप फिक्स करके हम ये डायपर जो है बेबीज़ को पहनाते हैं। टेप स्टाइल डायपर का एडवांटेज ये है कि इसको हम बेबी के वेस्ट के हिसाब से लूज या टाइट कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज मुझे ये लगा कि ये पहनाना, जब बच्चा ज़्यादा मूव नहीं कर रहा होता है तो ये पहनाना ज़्यादा आसान होता है। रात के टाइम पे स्पेशली मुझे इन डायपर्स को पहनाने में बहुत आसानी रही, इससे मेरे बच्चे की नींद ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं हुई। मैं स्लाइटली अपने बेबी का बम एलिवेट करती थी, डायपर डालती थी और टेप लगा के उसको डायपर पहना देती थी, तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा मूव नहीं करना पड़ता था मुझे कि पैर पैर एक पकड़ो फिर एक पजामे की तरह डालो फिर दूसरा पैर पकड़ो, तो वो चीज़ नहीं होती थी। तो ये डायपर जो है रात के टाइम पे मैं बहुत ही इजीली अपने बेबी को पहना पा रही थी, तो मुझे इसका ये एक एडवांटेज लगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगी कि टेप स्टाइल डायपर्स जो हैं वो बहुत छोटे बेबीज़ के लिए सही रहता है जो ज़्यादा मूव नहीं कर रहे होते हैं। जो पैंट स्टाइल डायपर है वो थोड़े बड़े बेबीज़ को आप यूज़ कर सकते हो, जैसे जब बेबी ज़्यादा हिलने लग जाता है या बेबी जब क्रॉल कर रहा होता है या बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है, स्पेशली 6 महीने के बाद, तो आपको पैंट स्टाइल डायपर्स जो हैं बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और छोटे बेबीज़ के लिए, न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए टेप स्टाइल डायपर्स बहुत सही रहते हैं बिकॉज छोटेपन में बच्चा ज़्यादा मूव नहीं होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा वो इधर उधर क्रॉल करेगा, भागेगा, तो आपको टेप स्टाइल डायपर के लिए बच्चे को लिटाना है तो बहुत आपके लिए भी चैलेंज हो सकता है कि वो जागा हुआ और उसको लिटाना है फिर डायपर पहनाना है, जबकि पैंट स्टाइल डायपर जो है आप उसको आसानी से पैंट की तरह, जब बड़ा हो जाता है बच्चा थोड़ा खड़ा होने लग जाता है तो उसको आसानी से आप पहना सकते हो। और जब बच्चा ज़्यादा मूवमेंट करता है तो पैंट स्टाइल डायपर्स जो हैं बच्चे को हग्ड रहते हैं प्रॉपरली, तो उसमें लीकेज की प्रॉब्लम भी आपको ज़्यादा फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो रिकमेंडेशन इन शॉर्ट, फॉर स्मॉलर बेबीज़, न्यूबॉर्न बेबीज़, टेप स्टाइल डायपर जो है वो बेस्ट रहते हैं। और जब बेबी क्रॉल करने लग जाते हैं, बेबी जब ज़्यादा मूव करने लग जाते हैं, तो पैंट स्टाइल डायपर्स सही रहेंगी। मैं दोनों मिक्स पहनाती हूँ अपने बेबी को। दिन में मैं अपने बेबी को पैंट स्टाइल डायपर पहनाती हूँ बिकॉज अगर वो मूव कर रहा है, हाथ पैर भी मार रहा है, तो मुझे पता है ज़्यादा लीकेज की प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज डायपर ज़्यादा लूज़ नहीं होगा, वो इंटैक्ट रहेगा। और रात के टाइम पे मैं बेबी को टेप्ड स्टाइल डायपर यूज़ करती हूँ बिकॉज जैसे कि मैंने डिस्कस किया उसकी नींद ज़्यादा ख़राब नहीं होती है और जो सो रहा होता है आराम से, तो मैं उसको टेप स्टाइल डायपर लेटे लेटे आराम से पहना देती हूँ। तो मैं दोनों मिक्स यूज़ करती हूँ, दिन में पैंट यूज़ करती हूँ और रात को टेप यूज़ करती हूँ। तो ये आपके ऊपर है आपको कैसा सही लग रहा है, आपको कौन सा डायपर यूज़ करना है या फिर आप अपने सहूलियत के हिसाब से टेप्ड वाला या पैंट वाला डायपर यूज़ कर सकते हो। बट आपको पता होना चाहिए कि दोनों टाइप के डायपर्स में क्या एडवांटेजेस आते हैं, क्या डिसएडवांटेज आते हैं, और अपने नीड के हिसाब से आप अपना डायपर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो फटाफट मेरे वीडियो को एक लाइक दे दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग मॉम स्क्वाड। टेक केयर एंड गुड बाय।